अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, कैसे हो बच्चों आप? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ हैं और आगे भी स्वस्थ रहें, यही प्रार्थना है मेरी भगवान से। तो बच्चों, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा 2.1.4, चैप्टर सेकंड है ये, क्लास टेंथ साइंस का। और इससे पहले हम जो पढ़ चुके हैं उसको आप पीछे वाले वीडियो में देख सकते हो। वीडियो को लास्ट तक देखा करें बच्चों, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाते हम, छोटी वीडियो होती है। और डेली के एक या दो टॉपिक हम करते हैं, उनको अच्छी तरह से करें कवर। कुछ बच्चे जो हैं वीडियो को स्टार्टिंग में थोड़ा सा सुन के और छोड़ देते हैं उसको। चलिए, हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे अपना, शुरू करते हैं हम आज का आगे रीडिंग। तो जब एसिड और बेस की रिएक्ट करवाए आपस में रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। कल हमने जो एसिड की रिएक्शन थी मेटल के साथ पढ़ी थी कि एसिड्स की मेटल के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा। आज हम एसिड्स की और बेस की आपस में जब रिएक्शन करवाई जाएगी तो उससे क्या होगा वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है, NaOH प्लस HCl। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एरो निशान आ गया यानी कि रिएक्शन हो गई है। तो NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O वाटर। जो रिएक्टेंट थे वो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि NaOH एक बेस है और HCl एक एसिड है। तो एसिड प्लस बेस की रिएक्शन से क्या बना हमारे पास, NaCl साल्ट बन गया और H2O बन गया वाटर। तो साल्ट प्लस वाटर हमारे हमें मिलेगा। एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी हमने फर्स्ट चैप्टर में, उसमें क्या था बच्चों कि जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन करवाएंगे तो हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में साल्ट प्लस वाटर जो है मिलेंगे। तो यहाँ भी यही है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड एन ए बेस टू गिव ए साल्ट एंड वाटर इज नोन एज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होने के बाद साल्ट और वाटर में मिलेगा, इसको बोलेंगे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसे ध्यान रखें, इस रिएक्शन को बीच में आएगी ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन जनरल ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज, कैसे लिख दिया इसने अभी, बेस प्लस एसिड क्या बना, साल्ट प्लस वाटर। बेस क्या है यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एसिड क्या है, HCl। तो साल्ट क्या बना, NaCl, और वाटर है H2O। नेक्स्ट बच्चों 2.1.5 है, रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड्स विद एसिड। मेटलिक ऑक्साइड मतलब जो मेटल के साथ ऑक्सीजन जब रिएक्शन करती है तो मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं, और मेटल ऑक्साइड जब रिएक्शन करेंगे एसिड के साथ तो क्या बनेगा। तो अभी जो आया है हमारे पास प्रोडक्ट जो एसिड और बेस से था, वही इसमें बनेगा, साल्ट और वाटर। तो देखिए, इसमें ये एक रिएक्शन भी एक्टिविटी भी दी गई है इसमें 2.7, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन ए बीकर एंड एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली वाइल स्टिरिंग। तो धीरे धीरे इसमें डालना है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद कलर देखेंगे हम सॉल्यूशन का, नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, व्हाट हैज हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड, इसी के बारे में बताया गया नीचे। यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन एंड द कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व। हम नोटिस करेंगे कि जो कलर है सॉल्यूशन का वो क्या हो जाएगा, ब्लू ग्रीन, और जो कॉपर ऑक्साइड है वो डिसॉल्व हो जाएगा। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड इन द रिएक्शन। द जनरल रिएक्शन बिटवीन ए मेटल ऑक्साइड एंड एन एसिड कैन बी रिटन एज, कैसे लिखेंगे हम इसको। तो देखिए, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड क्या बना, साल्ट प्लस वाटर। आगे रिएक्शन देख लेते हैं इसकी एक बार, आगे मिलेगी हमें। तो नाउ राइट एंड बैलेंस द इक्वेशन ऑफ द अबोव रिएक्शन, सिंस मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव साल्ट एंड वाटर। तो मेटलिक ऑक्साइड जब रिएक्शन करेंगे एसिड के साथ क्या मिलेगा, साल्ट और वाटर। सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ ए बेस विद एन एसिड, जैसा कि बेस जब रिएक्शन करता है एसिड के साथ, जो मैंने आपको बता दिया था पहले ही। तो मेटलिक ऑक्साइड्स को क्या बोलेंगे, आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड्स। हम बेसिक ऑक्साइड्स भी बोल सकते हैं इसको, मेटलिक ऑक्साइड्स को, क्योंकि ये भी वही प्रोडक्ट बनाते हैं जो एसिड और बेस से बनता है, साल्ट और वाटर। नेक्स्ट टॉपिक है छोटा सा, उसके बाद क्वेश्चन सर आ जाएंगे हमारे।
बीच वाले जो हैं, तो 2.1.6 में है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विद बेस, वो हमारा मेटेलिक ऑक्साइड था, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, उसकी रिएक्शन एसिड के साथ थी, इसकी बेस के साथ है। तो इस आर द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमने पीछे एक रिएक्शन की थी कार्बन डाइऑक्साइड की और लाइम वाटर की, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये हमारी ये रही इक्वेशन, COH twice plus CO2, लाइम वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना, वाइट प्रेसिपिटेट प्लस H2O। तो ये यहाँ पे क्या बता रहा है इसके बारे में, कहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज ए बेस रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर, क्या बना वहाँ पे, साल्ट और वाटर प्रोड्यूस हुआ है। सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन ए बेस एंड एसिड, वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, यानी कि मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या मान लिया, बेस मान लिया, और नॉन मेटेलिक को क्या हो गया हमारा, एसिडिक हो गए, एसिडिक बिहेव कर रहे हैं वो, क्योंकि इन दोनों इनकी रिएक्शन से क्या बन रहा है, साल्ट और वाटर, जो कि एसिड और बेस की रिएक्शन से हमें मिलता है। याद रखना बच्चों आपने, मेटेलिक जो हैं उनको बेसिक बोल सकते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स, और नॉन मेटेलिक को क्या बोलेंगे हम, एसिडिक होते हैं नेचर के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन जो है तीनों के तीनों वो हम कल करेंगे, आज आपको मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो हमने कल रीड किया था रिएक्शन अलग अलग, एसिड की रिएक्शन किसके साथ की थी हमने, वाटर के साथ भी की थी, मेटल के साथ भी की थी, और इसके साथ साथ ध्यान रखें वाटर के साथ नहीं सॉरी मेटल के साथ की थी हमने, और आज हमने मेटेलिक ऑक्साइड और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के बारे में पढ़ लिया है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट हम जो है कल करेंगे अगली वीडियो में।